बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आशियाना फूड व्लॉग में सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हमारे आशियाने में बहुत ही सिंपल सी अचारी चटपटी सी दाल बन रही है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम बनाएंगे। दाल ली है, मूंग और मसूर की दाल है हमारे पास। मिक्स कर लें इनको, बराबर बराबर ले लें। तो इनको हमने वाश नहीं की, हम ये जब पकाएंगे तब वाश करेंगे। तो ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च हैं क्योंकि रेड लाल मिर्च नहीं डालेंगे। और ये हमारे पास है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ साबुत मिर्च। और स्पाइसेस में हमारे पास सूखा धनिया है, हल्दी है और नमक है। ये हमारे सिर्फ स्पाइसेस है। ये दही हमारे पास एक प्याली दही है और इसी में हम बनाएँगे। और इसको वाश करके दाल को हम पहले बॉयल करेंगे। तो दाल को वाश करते हैं पहले। तो जी पानी हमारा बॉयल हो रहा है, तो अब इसके अंदर हम जो दाल है वाश की है, हमने धोया है उसको अच्छे तरीके से, तो अब वो डाल देंगे। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि मैंने क्या करना है। तो ये जब बॉयल आएगा तो इसके ऊपर जो झाग बनेगी वो हम सारी निकाल देंगे। क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लाजवाब आपकी रेसिपी तैयार होगी। ये भी एक ट्रिक है, अगर ये हम निकाल देंगे तो हमारी दाल खुशबूदार और ज़ायकेदार बनेगी और उसमें जो मसूर की कच्ची स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो हम ये सारी की सारी निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे। और इसके अंदर फिर बाद में हम जो सब्ज़ मिर्च हैं जो वो डालेंगे। एक प्याली हमारे पास सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई है वो हमने डाल दी है। अब इसके अंदर हम जो हल्दी और सूखा धनिया है वो डाल देंगे। नमक हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारी दाल कुक हो जाएगी अच्छे तरीके से, पहले नहीं डालेंगे क्योंकि दाल जो है ना वो छिलका छिलका हो जाती है और बिल्कुल मेल्ट नहीं होती, बिल्कुल मिक्स नहीं होती, तो वो अच्छी नहीं लगती दाल। अब इसके अंदर हम छोटी सी आधी बिल्कुल 2 चम्मच जितनी प्याज डालेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें हमारी दाल कितनी अच्छी तरीके से कुक हो गई है, बिल्कुल यकजान हो गई है, अलग-अलग अलग नहीं है जैसे छिलका छिलका हो जाती है दाल। तो वो भी एक ट्रिक है, अगर हम दाल को पकाते वक्त धोएं, पहले भिगो कर ना रखें तो वो छिलका छिलका नहीं होती, अगर उसी वक्त भिगो कर डालेंगे तो ये ऐसे बनेगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल हमारी तैयार हो रही है। तो बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, तो अब इसके अंदर हम जो एक प्याली हमारे पास दही थी वो हम डालेंगे। मैं पहले भी रेसिपी दे चुकी हूँ, तो वो मैंने हांडी में, मिट्टी की हांडी में बनाई थी, वो ज़बरदस्त बनती है। तो ये हम झटपट तैयार कर रहे हैं, जो हमें जल्दी में बनानी होती है तो वो ऐसे हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम नमक भी इस स्टेज में आके डालना है जब हमारी दाल कुक हो जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दाल को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे जिसके अंदर ये मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए इसको बग़ैर ढक्कन के कुक करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो इस दाल की मसूर दाल की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसके अपना टेस्ट इसमें और खुशबू पैदा हो जाए। तो पानी डालेंगे तकरीबन 1 गिलास के बराबर हम पानी डालेंगे और फिर इसको बग़ैर ढक्कन के हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च जो है जो साबित थी वो डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तो लाजमी पकाना है ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए और हमारी दाल और पानी बिल्कुल यकजान हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। देखिए क्या खूबसूरत तैयार हुई है और बिल्कुल यकजान हो गई है, बिल्कुल अलग-अलग नहीं है। तो इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और फिर इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो हर चीज़ की रेसिपी का अपना तड़का होता है, एक जैसा ना बनाया करें तो वो टेस्ट नहीं आता। हर दाल का अपना तड़का होता है, तो वैसे आप इसका भगार तड़का जो भी कहते हैं वैसे तैयार करें। तो ऑयल हमने इसके अंदर डाल लिया है, आप अपने हिसाब से डालें। और इसके अंदर हम पिसा हुआ जो लहसुन है आप वो डालें, अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन है तो क्या ही बात है, बहुत टेस्टी दाल बनती है। इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने ये जो सूखा लहसुन होता है वो मैंने पीस कर डाल दिया है। तो अब इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर इस दौरान।
ना ही इसके अंदर ज़ीरा डालना है, ना ही रेड कोल लाल मिर्च डालनी है। हर दाल का अपना टेस्ट होता है। ये सिर्फ सब्ज़ मिर्च में तैयार होती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो हमारा तड़का तैयार हो गया है, तो अब इसको हम दाल के ऊपर डालते हैं। माशाल्लाह से देखिए क्या खूबसूरत हमारी दाल तैयार हुई है। हमने थोड़ी देर कवर किया है ताकि खुशबू इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से रच जाए। तो माशाल्लाह से हमारी दाल तैयार हो चुकी है। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है, आपको दिखाती हूँ मैं बिल्कुल ही। देखें मज़ेदार सी हमारी जो मूंग और मसूर की दाल है वो तैयार हो चुकी है। इस तरीके से बनाएं तो बहुत टेस्टी ये दाल तैयार होती है। आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं या कुकर में बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होती है। आप इसको चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो दाल हमने डिश आउट कर लिया है और आप खाने के जब खाना जब सर्व करें खाएं इसके ऊपर लेमन जो नींबू होता है वो निचोड़ के खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल तैयार होती है। देखिए क्या खूबसूरत हमारी दाल, टेस्टी दाल जो है हमारी तैयार हुई है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंजॉय करें, फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।